गुड मॉर्निंग जयवागणी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने आज के दूसरे दिन के ब्लॉग के अंदर। और हमेशा की तरह सबसे पहले उठी हूँ मैं और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ व्यू, जैसे कि मैं हमेशा सुबह सुबह उठ के दिखाती हूँ मेरे ब्लॉग्स के अंदर। रेडी? बहुत प्यारा व्यू है। अले टॉर्च जल गया, रुकना एक बार, अब खुलेगा, खुल जा सेम सेम खुल जा। मौसी देखना गाइस, देखना कि देखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर जगह लग रही है ना, देख सकते हैं। मेरी खड़े होने की जगह नहीं बची हुई नीचे, क्योंकि सारे कपड़े पड़े हैं नीचे। सामने बिल्डिंग्स, ये वो मैंने जो रात को आप लोगों को बताया था आर्टिफिशियल बनाने का, ये वो। और ये सामने रेस्टोरेंट है, और इधर कोई भी स्विमिंग करने आता है तो वो यहाँ पे भी बैठ सकता है। बहुत अच्छा व्यू है ना। आज हम लोग जाएंगे अभी जो मंदिर है उन सब के अंदर। अनिता हमने कर दिया हमारे लिए गाड़ी, और मतलब पूरा जो पैकेज होता है उस अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर घूमेंगे। मेरे को पता नहीं है कौन कौन से मंदिर है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जिस जिस मंदिर में जाएंगे उस मंदिर का नाम मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। लेकिन आई नो वेरी वेल कि किसी भी मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होगा, इसलिए हम लोग अंदर से दर्शन आप लोगों को किसी के भी नहीं करवा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी, तो आप लोग जब भी आएँ आंध्र प्रदेश तिरुपति, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर मंदिरों में जाएं। और बस अभी मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ और बाकी इन दोनों को भी उठा देती हूँ। गाइस ये दोनों के दोनों सो रहे हैं अभी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहा के आ गई, बहुत मतलब मैं पहले से ही नहा के आ गई थी, बहुत टाइम हो गया, सुबह जल्दी ही नहा ली थी मैं, मतलब आप लोगों से बात करने के बाद में। फिर मैं मेरे पापा के पास जाके आ गई, मैंने चाय भी पी ली, और मेरे साथ बहुत बड़ी होदी हो गई सुबह सुबह। पता है पापा वाले का तो मेरे को रूम नंबर पता था, बट है ना हमारे वाले रूम का मेरे को रूम नंबर ही नहीं पता था। मैं बहुत देर से बाहर ही भटक रही थी और मैं साथ में फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। फिर ना मैं वापस पापा के पास में गई, पापा के फ़ोन से मैंने फ़ोन किया इधर, फिर मैंने रूम नंबर पूछा, फिर मैं वापस इधर आई हूँ। अब हम लोग रेडी होके और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, फिर यहाँ से मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे हम लोग। सो गाइस हमारे साथ में आप लोग बने रहिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच जय माँ करनी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ वापस एक बहुत बड़ी होदी हो गई। आपको पता है मैं कुर्ते पजामा का सेट लेके आई थी, लेकिन अब मैंने पता नहीं ये पजामा मैंने किसके रख लिया, मेरे पजामा आ ही नहीं रहा है। नहीं खुलेगा ये, तो एक ही लग रहा है, खोलूंगी तो पूरा। मेरे पजामा भी नहीं आ रहा, और सिंगल एक ही पजामा लेके आई थी मैं, इसलिए मैंने बोला था मेरी पैकिंग आप कर दिया करो। अब मेरे पास कुर्ता है नीचे पहनने के लिए, पजामा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? और ये तो ना सलवार सूट पहन के नाम से तैयार हो गए। मैं वहाँ पे क्या, मेरे को भी सलवार सूट दे दो, मैं भी सलवार सूट पहन के चले जाती हूँ वहाँ पे। काम करो आप, दे दो मेरे को भी। किसका पजामा? ये मोनू अगर व्लॉग देख रहे हैं ना छोटे मोनू, तो ये देख तेरा पजामा ही मेरे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो मोनू के तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब पजामा है किसका? अब हम लोग कोई दूसरा प्लान सोचते हैं कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और मैंने पहना है कन्नी फैशन का लॉन्ग कुर्ता। अब बात थी नीचे के पजामे की, तो मेरे को इन दोनों ने ऐसे सजेस्ट किया कि कल जो पैंट पहन रखी थी ना, मतलब वो ट्राउजर ही था, तो वापस से वो ही पहन लो। और भगवान की दया से, तिरुपति बालाजी महाराज की दया से चल भी गया और अच्छा भी लग रहा है। दिख नहीं रहा ऐसे, तभी हम लोग जा रहे हैं पापा के पास। चलो गाइस, पापा वाले रूम से दिख रहा है ये वाला व्यू, और यहाँ का व्यू ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही नेचुरल है, और वहाँ का जो दिख रहा है वो होटल वालों का नेचुरल है। नेल पेंट क्या मैंने भी लगा ली, लगा ली। पापा भी नहा के बिल्कुल टनाटन रेडी, मैं वो भी रेडी, और मैं भी रेडी। तो बोला
है कैश सब होता है कार्ड से होता है सियासी माहौल प्रशांत टंडन रात को हमने ऑनलाइन ही किया कैश सारा ऑप्शन देते बेचारों को रात में कैश दिया था देश थाम देंगे बंदा चलाएगा ना बंदा कैश कैश सही तो तेरे तर कैश को कर लगा इसे लगा हम लोग काम ले लेंगे तेरे को मतलब कैश में ना अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ मम्मी भगवान जी बहुत शानदार लग रहा है। हम लोग तो आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए मम्मी पापा नहीं आए दोनों के दोनों। So, अब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं। क्या वाले भैया अभी आने वाले हैं। So, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों हमारी पहली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं श्री कालाहस्ती मंदिर, शिव जी का मंदिर है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने पहला डेस्टिनेशन वही लिया है और पर हम लोग वहाँ जाएंगे। तिरुपति में तो वहाँ भारी बहन है। जो अरावली पर्वत की श्रृंखला है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे को बेबू बता रहे हैं। ये अंकल जी दवाई छिड़क रहे हैं। ये चावल की खेती है, चावल की खेती नाइज है ना गाइज, ये राइज तू निकल शुरू बड़े पर जय बार जा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा जैम है, जैम नहीं जाम मतलब ट्रैफिक है, जैम तो खाया। भीड़ तो नहीं होगी आज, मोशन वाला करते क्या आज कम होता है। कालाहस्ती कल जाता है ये पूरा चले ना गौरव। यहाँ पे भी आते ही पहले 70 रुपीज की एक पर्ची काटी जाती है। गाइस बढ़ता है स्टेयर्स, हाँ स्टेयर्स है। मेन टेंपल नीचे है, वो पंचभूत लिंग से ये वायु लिंग है। मैं यहाँ से लिया टिकट, उसके बाद में वो रहा मंदिर, मंदिर में आए हम लोग। क्या आगे कैमरा लाओ नहीं है बस। साउथ का मंदिर है जहाँ पे हमने शिव जी के दर्शन किए और अम्बावारी माता के दर्शन किए, तो हमेशा याद रखूंगी मेरा साउथ का पहला मंदिर है ये। हम लाए हैं केरी, ये निको का टीका देखो, सब जने दिखाना।
एक बार फिर से हम लोग बीच में रुके हैं वहाँ दर्शन करने के बाद में चाय पीने के लिए, क्योंकि जहाँ पहले हमने चाय पी थी ईरानी चाय थी, बट उसमें मीठा बहुत ज़्यादा था और वो गुड़ की चाय थी। हाँ मम्मी, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और हम दूसरी जगह मतलब गए हैं टी टाइम करके, कोई जगह यहाँ पे हम लोग चाय यहाँ देखते कैसी मिलती है। हालांकि पापा ही चाय देंगे, हम लोग जो जूस पियेंगे टी टाइम। पापा पी रहे चाय और मौसमी का पहले एक गिलास बनवाया था, तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने तीन और बनवा लिए। मौसमी का जूस, हमारे घर पे भी ऐसी मशीन है, हम सोच रहे हैं ये काम हम भी स्टार्ट कर देते हैं फिर वो करेंगे। फिर से आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं और ये लग रही है आपको जगह जगह चावल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुमाला की तरफ। फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है, रुकना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिरुमाला की तरफ, मतलब वहाँ पे नीचे तीन मंदिर है, पद्मावती का, गोविंद राय का और इस्कॉन टेम्पल। तो हम लोग दो मंदिर में जाएंगे, पद्मावती और गोविंद राज एक ही तो है ना। और भैया ने दो मंदिर और बताए जो कि थोड़ा सा आउटसाइड है, बट वहाँ पे हमको टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। तो अभी अपन चल रहे हैं पद्मावती और गोविंद राय मंदिर। मंदिर में आ चुके हैं बट अंदर फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और वो मंदिर है पीछे की तरफ वहाँ पे, अंदर हम लोग फोन नहीं ले जा सकते। और ये मंदिर जय गोविंदा, ये मार्केट है, अंदर बहुत ऐसे गोविंदा गोविंदा करते सबके साथ। पापा ये नहीं है मंदिर, इधर है, इधर ये रहा, देखो ये रहा, अंदर तक वहाँ चल। ये रहा पापा मंदिर। दर्शन हम लोग करके आ चुके हैं और यहाँ भी बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम जाएंगे मम्मी कहाँ पे? तिरुमाला। चलो मम्मी, तो पद्मावती मंदिर में हम लोग जाके आ गए, बहुत अच्छे से दर्शन भी हमारे हो गए। और जो टिकट्स लेते हैं ना, मतलब हमको पता नहीं था, तो पापा को कोई मिले, उन्होंने बोला कि आपने जो टिकट लिए ना उसके यहाँ के जो लड्डू है वो मिलते हैं। तो हम लोग लड्डू लेने गए, उन्होंने सोचा था कि सर 10 रुपये भी लेके जाना, तो हम 20 रुपये लेके गए थे। तो उन्होंने पहले हमको 10 रुपये दिए, वापस हमको 10 रुपये दे दिए और हमें हमारे टिकट के मिले 5 लड्डू। हम लोग लड्डू लेके आ गए तिरुपति बालाजी के, नहीं सॉरी पद्मावती मंदिर के, और इस तरह के लड्डू मिलते हैं यहाँ के। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं पर भी मतलब खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक मंदिर और है वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। यह है तिरुपति में सिटी साइड आ गया ना हम लोग, तो ये सिटी है, आप सिटी भी देख लो। ये देखो खुद के लिए सूप, कौन सा? मंचाऊ सूप। इनको खाना, इनको पीने तो चाय थी लेकिन यहाँ पे चाय अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपने लिए सूप मंगाया। पर सर उनको बाहर ही सिर्फ इससे बोल रहे कि तुम लोग खा लो। बहुत अच्छा है। क्या बोले आप? तुम लोग खा लो। और अभी फर्स्ट लिए हमारे पास मेरा सैलेड, पापा तो सलाद आता है ला का खावा है। हमारे ऑर्डर में है पालक पनीर। भैया बता रहे हैं हमारे ना एक ओम भी है, वो है ना पापा फोन किए तो वो व्लॉग ही देख रहे थे हमारा, तो वो क्या बोलते हैं जल्दी व्लॉग डालो। ठीक है, तो हम जल्दी व्लॉग डालेंगे। भैया पहले दाल तड़का
और राइस। ये पापा पी रहे जलपान की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री शॉट, है ना पापा? कैसा है? अच्छा है। एक नंबर। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, ये पान का स्वाद आ रहा है हमें भी। हाँ जी लो, कैसा लगा आपको? इस बार में कोई नहीं बिगड़ता। कैसा लगा इधर देख के बताओ? हम लोग यहाँ तिरुपति में आए ना, तो हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए। उससे पहले हम लोगों को खाना था, खाना हाँ, तो हम लोग आए जलपान पे। पहली बात तो यहाँ का खाने की बात करते हैं, एक नंबर खाना था, बहुत अच्छा लगा हमको। और हमें मिले सर जो कि पाली राजस्थान से, पाली राजस्थान से तो मतलब कई दूसरे स्टेट में जाके जब हमारे स्टेट से कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी ब्रांच करके करीबन 6 साल हो गए हैं। अब अभी नया और एक ब्रांच ओपन किया हमने, उसको 1.5 साल हुए। इसके होटल के साथ अपन का आइसक्रीम का भी है और स्वीट्स का भी है। आपकी फैमिली यहाँ पे कितने सालों से? 150 सालों से है। और बिजनेस हमारा पहला गोल्ड का बिजनेस, वो ज्वेलरी शॉप है महावीर ज्वेलरी हाउस करके। उसके बाद हम फिल्म प्रोडक्शन में चले गए। मैं फिल्म प्रोडक्शन में तेलुगु मूवी हमने कोई करीबन 18 मूवी बना ली है। मेगा सुपर प्रोडक्शन के नाम से अपनी कंपनी का नाम है, मल्टी टैलेंटेड मल्टी वर्क्स। और ये बहुत जरूरी है साहब, और मैं और एन वी प्रसाद तीन पार्टनर हैं। खाना हम लोगों ने खा लिया और खाना सब में बहुत ही बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात कहीं की थी, मैंगो की चॉकलेट मिल गई, मैंगो की मिठाई मिल गई। और लेकिन अभी भी मेरा तो और भी ज़्यादा सर दर्द होने लगा। लेकिन अभी हम लोग जो दूसरा मंदिर मैंने एक और आप लोगों को बताया था ना, हम लोग वहाँ जाएंगे हम। और उन्होंने भी मतलब अंकल ने ऐसे बोला कि आप लोग थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि टिकट्स 5 बजे तक के काउंटर आप लोगों की ओपन रहेंगे, उसके बाद आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। तो अब देखो वहाँ की टिकट्स हम लोगों को लेनी है। पापा का भी बोल रहे कभी ले लो कभी मत ले लो, समझ में नहीं आ रहा पापा क्या क्या बोल रहे हैं। बोल रहे कभी लेनी कभी नहीं लेनी है। देखो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे वाला ब्लॉग बनाने में, ये भूल गया थी, बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन इसका ब्लॉग नहीं बनाया। रियली रियली सॉरी गाइस, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ओ एन भी दिख गई यहाँ पे, वो आ रही है एन। बाटागढ़ जा, अच्छा डामर से। यहाँ के टोल देखना, भी आप टोल आएगा यहाँ का। तो हम लोग वो जो मंदिर था गोविंद राय, वहाँ से निकल चुके हैं। फिर हमारा बहुत देर से सर दर्द हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ली स्प्राइट और तुम्हारा थोड़ा बहुत माथा हमारे सही हो गया। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए, और वहाँ से टिकट्स का अरेंज करके फिर हम कल दर्शन करने के लिए फिर से आ सकते हैं। अभी यहाँ पे चेक इन पर टोल नहीं है, सॉरी गलती हो गई, टोल नहीं है। और यहाँ पे एक भी टोल नहीं आया अभी तक, टोल ही ये लिखा आ गया फास्ट टैग, दो बार गलत बता, तो दोनों चीज लिखी हुई है। चेक इन पॉइंट भी देखो पीछे लिखा हुआ था, चेक पीछे। अभी आगे निकलने के बाद पता लगेगा क्या है। टोल ही ठीक है, टोल है, बट कितना सुंदर टोल है। यहाँ पे बहुत तगड़ी चेकिंग चलती है भाई, मतलब पूरा चेक किया जाता है, गाड़ी से उतरना पड़ता है लोगों को, उसके बाद चेक किया जाता है पूरा बढ़िया। और गाड़ी पीछे की तरफ गाड़ी है और पहले लोगों को भेज दिया जाता है, उसके बाद चेकिंग होती है पूरी, मतलब पूरा चेक करने के बाद आप आगे भेज देते हैं और कुछ भी अलाउ नहीं है।
कुछ भी अलाउ नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, है ना? सिगरेट, दारू, मांस, ये सब। भाई एक नंबर व्यू आ रहा है, एक नंबर व्यू, एक नंबर व्यू आ रहा है, एक नंबर व्यू। और ये खाली ना उधर से सुंदर लग रहा था, इधर से तो टीने दिख रहे हैं, और मैंने उधर से वीडियो नहीं बनाया, रियली रियली सॉरी। मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ सिनेमेटोग्राफ में, सिनेमेटोग्राफी। ये वाला जो वे है वो तिरुपति बालाजी के जाने का रास्ता है। हम लोग टॉल क्रॉस करके आ चुके हैं, वो टॉल नहीं था, वहाँ पे सारी की सारी चेकिंग होती है, और हम लोग सारी की सारी चेकिंग करा के आ चुके हैं आगे की तरह। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और हाँ पापा, पापा ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे 7000 धर्मशाला है, मतलब 7000 धर्मशाला, 7000 2009 में थी, 4500 धर्मशाला। गेस्ट हाउस बोल रहे हैं? हाँ पापा, गेस्ट हाउस। तो यहाँ तो हम लोग आ चुके हैं, यह है तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर का व्यू, और आई थिंक गेट बंद हो चुका है, जहाँ पे हम लोग अभी टिकट्स लेने आए हैं वहाँ पे पहले फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, वो फॉर्म भरा जा रहा है अभी। से टिकट्स हम ले चुके हैं, टोटल 5 टिकट्स हुई है, और कल का हमारा जो स्लॉट आया है, मतलब कल का हमें जो स्लॉट मिला है 10:30 का स्लॉट मिला है सुबह का, तो हमें यहाँ पे 10:30 से पहले पहुँचना पड़ेगा। टिकट्स हमारी हो चुकी है और हाथ में लेके बैठा है, पापा की कोई दोस्त यहाँ पे मिल गए, मम्मी गाड़ी में बैठा है। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके, मतलब थके भी नहीं, लेकिन हमारा सबका ही हेड एक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बैठे हम लोग बाहर आके बैठ गए। सच्ची बता रही हूँ, अभी तक तो मुँह ऐसे उतर गया, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है यहाँ पे, हालांकि इतना ज़्यादा रश नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए, और वहाँ से टिकट्स का अरेंज करके फिर हम कल। तनु तो आओ थे फिर किनारा बॉर्डर तो इस पहाड़ के लिए। भैया बोल रहे कि बालाजी महाराज का साइड फेस व्यू इसका दिखता है, फोटो का चलेगी। यहाँ पे हम बीच में थोड़ी देर के लिए उतरे हैं रास्ते में, यहाँ पे अभी बालाजी की घर की पत्नी का कसर कर रही कौन था क्या होना तिरुपति बालाजी की वाइफ थे वेंकटेश भगवान की। हाँ तो तिरुपति वेंकटेश भगवान की
पत्नी पद्मावती ना बाबा, पद्मावती ने देख रही, मैं पद्मावती मंदिर में दर्शन कर पाई, बहुत प्यारा दर्शन हुआ। पद्मावती की जय है, पूजा कर रही है डेली। हम लोग खाना खा के रूम में आ चुके हैं। अब ऊपर से जो उजाला जा रहा है लाइट्स का जा रहा है, अरे सॉरी पीछे रह गया रूम तो। अब थोड़ा बहुत सर दर्द सही है क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी, और बेबू उल्टियाँ हो रही है। अब मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, अब बेबू को उल्टियाँ हो रही है। बस अब हम लोग अब सोएंगे, और आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और कल के हमारे दर्शन है तिरुपति बालाजी के 10:30 के, तो कोशिश करेंगे कि हम सुबह जल्दी उठें और दर्शन करने के लिए जल्दी से रवाना हो जाए। उसके बाद में वहाँ के ऊपर के साइड सीन्स रहेंगे, और उसके बाद में हम लोग अनिता हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय माँ करनी।